बहुत बहुत शुक्रिया। हाय इस नाम रात लड़ाई को अल्लाह ही बचाए। जी फरमाइए। तुम लेकिन यहाँ इस कोठे पर छोड़िए ना ये सब। पहली बार आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए, मैं नहीं घोड़ी, ना बैठने को पूछा, ना कोई खाते की। चाय पीजिएगा कुल्हड़ वाली, चाय तो आपकी जान मांगे थी। चाय तो खाने में आखिरी बार तुम्हारे साथ ही पी, उसके बाद दुनिया के सारे नशे आजमा लिए, लेकिन तुम्हारे हाथों की वो कुल्हड़ वाली चाय नहीं भुला पाया। मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो सौंधी सौंधी खुशबू तुम्हारे हाथों की होती थी या कुल्हड़ की। अच्छा तुम खड़ी क्यों, यहाँ बैठो ना, यहाँ आओ बैठ लो। बैठ गई, अब अपनी सुनाइए। छोड़ो ना यार, क्या रखा है इन सब बातों में। दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो फराज, अब कुरेदो ना इसे, राख में क्या रखा है। इतनी मायूसी क्यों, मैंने तो सुना था बहुत कामयाब शायर हुए हो। तुम्हें याद है हमारी मोहब्बत की शुरुआत के हसीन, तुम्हारे घड़ी भर के साथ के लिए मैं घंटों इंतजार करता, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता तो दुनिया की सारी फिक्रों सारी परेशानियों से जैसे दूर रहता। भाई का दिन थे वो, तुम्हें याद है मेरी लिखी हुई गजलें तुम गाया करते और मेरे तारीफ करने में शर्मा जाया करते थे यार। क्या दिन थे यार, दरअसल ये पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। सारी जिंदगी में गुर्बत में जी रहा और मुझे हमेशा इस बात का एहसास था कि खुशियों को पाने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। पैसा और कामयाबी दास आदमी। तो पता है मेरी पहली फिल्म के गानों ने सारे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। धूम उसके बाद देखते ही देखते फैंस का हुजूम झूठी सच्ची तारीफें। इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया था। मुझे कोई नजर ही नहीं आता था अपने अलावा, तुम मिले और उसपे सिर्फ ये कि मेरे कुछ नए दोस्तों ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि तुम्हारा मेल जोल मुझ जैसे कामयाब शायर के लिए ठीक नहीं। मुझे इसका अंदाजा है आप मेरे कामयाब शायर। तुम्हारे शायर ने कामयाबी हासिल कर तो ली पर बहुत भारी कीमत देने के बाद इस बुलंदी पे बहुत तंग हाँ। काश मैं सबके बराबर होता, ऐसा कोई मंजर होता, मेरे शाने पे तेरा सर होता। मौके पे शेर देना तो आपकी पुरानी आदत रही है बब्बू। अच्छा पता है उसकी बात एक बड़ी अजीब सी बात है। अचानक जैसे लोग मेरी शायरी से बोर होने लगे, मुझे समझ में ना आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं था मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसी जिंदा शायरी कर ही नहीं पाती। जिंदगी ने ऐसे में दो बातें सिखाई, एक तो ये कि टू रीच ऑन टॉप इज पॉसिबली इजी बट टू बी देयर ऑन टॉप अलोन इज वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी वो ये कि जिस चीज को मैं अपनी शायरी समझता था वो दरअसल वो लम्हा थे जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे, वो सिर्फ हमारी मोहब्बत थी गुड़िया। तुम मेरी गजलों की रूह हुआ करती थी गुड़िया, आज भी मेरी शायरी तुम्हारे बगैर अधूरी है गुड़िया। अच्छा तो मेरी तलाश इसलिए हो रही थी कि तुम्हारी शायरी को नई जिंदगी मिल सके। चलिए साहब हम एतराज किए लेते हैं कि तुम्हारी तलाश मैंने शुरू जरूर की, लेकिन तुम्हारी तलाश में जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे दोस्तों से पता चला कि तुम उम्मीद से मुझे बदनामी से बचाने के लिए तुमने सारा इल्जाम अपने सर लिया। तुम्हारी
इसी बात ने मुझे मेरी बुनियादों से हिला दिया गुड़िया, बुनियादों से। मैंने सारी जगह तुम्हें तलाश किया कि कहीं तुम मिल जाओ, और पाया भी तुम इस कोटे पर। अच्छा गुड़िया, खत्म करो, छोड़ो इन सब चीजों को, चलो मेरे साथ। नहीं बाबू, क्या तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत बाबू, मैंने तो शिद्दत से मोहब्बत की थी तुमसे, दीवानगी की हद तक। तुम्हारी इस कामयाबी की मैंने दिन रात दुआएं मांगी थी। मेरा शायर हिंदुस्तान का सरदार शायर हो, इस उम्मीद पे तो मैं जी रही थी। मुझे क्या पता था तुम्हारी यही कामयाबी हमारी दूरी का सबब बन जाएगी। मुझे इस बात का एहसास अब हो गया है गुड़िया, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मैंने गलती की, मैं मानता हूँ ये। तुम्हारे इस तरह अचानक चले जाने से बहुत से मसले खड़े हो गए थे, सौतेली मां भाइयों ने मेरा जीना दूभर कर दिया था। मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। मैंने तो बहुत कोशिश की, कम से कम तुमसे एक मुलाकात हो जाए। फोन उठाना तो दूर, तुमने तो किसी एसएमएस तक का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी खत का। I'm so sorry. मेरी सहेलियों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं बच्चों को गिरा दूं, पर मेरा मन नहीं माना। मेरे सामने खुदकुशी के अलावा दूसरा चारा नहीं बचा था। मैंने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐसे में मेरी एक सहेली किसी फरिश्ते की तरह आई और उसकी मदद से हमें शहर चले आए। मेरी जिंदगी दुख और उदासी का दूसरा नाम बन के रह गई। तुम कहा करते थे ना कितनी बकबक करती हो, मेरी बकबक को शायद किसी की नजर लग गई। खैर, कुछ महीने बाद हमारा बेटा पैदा हुआ, मैंने उसका नाम रखा ओम। वो बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल तुम्हारा नागलक्ष्मी लेके आया था। उसके बाएं हाथ में भी दिल था बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनके आने से जैसे मेरी जिंदगी का जीने का नया बहाना मिल गया। उसके साथ जरूरियात जिंदगी भी बढ़ गई। जरूरियात जिंदगी तो अपनी जगह हो गया, लेकिन दुनिया के सारे अच्छे काम कोई भी काम कर सकती है, वो सब छोड़ दीजिए, ये कोठा जो जरूरी था हमारे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी खुद बुरा नहीं होता। जिंदगी के तजुर्बों ने बहुत कुछ सिखा दिया। एक अकेली लड़की का जीना, खासकर जब वो जवान हो, तो इन सारे मर्दों की शराफत धरी की धरी रह जाती है। और वो हाथ जो चोली उठा, हर वो हाथ जो सहारा देने को आगे बढ़ता, आखिर चोली उतारने को पहुंच ही जाता। इतने गंदे घिनौने और जलील चेहरे इस दुनिया के देखने के बाद जहां कोई झूठ नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता। मुझे दिक्कत हुई, लेकिन मोम को दूध के लिए तरसना नहीं पड़ता। जिंदगी बहुत समझौतों का नाम है बबू। गुड़िया, एक एक समझौता आज पर, गुड़िया एक समझौता, चलो मेरे साथ। अभी मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमारा बच्चा अच्छी स्कूल जाएगा। अरे मैं तुम्हें इस समाज में तुम्हारा मुकाम दिलाऊंगा गुड़िया। समाज? किस समाज की बात करते हो? इस समाज की? इस समाज में तो औरतों और जीने के, औरतों और मर्दों के जीने के रास्ते ही अलग अलग हैं, अलग अलग मापदंड हैं। मुझे तुम्हारे तुम्हारे गम का एहसास है गुड़िया, मैं छक। तुम उस गम का एहसास कभी कर ही नहीं सकते जिस गम से तुम कभी गुजरे ही नहीं। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं सिविल के अस्पताल पहुंची, डॉक्टर ने कहा अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया उसकी जान को खतरा है। मैं पागलों की तरह सारे शहर भीख मांगती थी, पर उतने पैसे जमा हो ही नहीं पाए। चंद रुपयों की वजह से हमारे बेटे ने मेरी आंखों के आगे बिस्तर पर एड़ी रगड़ रगड़ के अपनी जान ले दी। तुम्हें अंदाजा नहीं, किसी की हंसती खेलती औलाद उसकी आंखों के आगे मर जाए तो उस मां के दिल में क्या बीतती है। गुड़िया, इतना सब कुछ अकेले सहा तुमने गुड़िया। जी, और मैं चाहती हूँ आगे की जिंदगी तुम भी इसी एहसास गुनाह के साथ जियो। यू हैव टू लिव विद इट बाबू। गुड़िया, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा?
मोहब्बत की थी उनको माफ कर दिया। ये सजा तो मेरे बेटे के उन मासूम मासूम उन आहों की है जो सारी जिंदगी अपनी बाप की गोद में आने को तरसते रहे। I'm sorry, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती।